मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वाह क्या सीन है 10 इंडियन मीम्स बाय इट्स आर्या। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन, आई एम मोना रीना, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हाय सर, हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आप डेट करने के लिए लड़की में क्या क्वालिटीज देखते हो? देखिए, मॉडर्न जमाने का बिल्कुल नहीं हूँ मैं, लड़की के लुक्स, उसकी बॉडी, कलर, ये सब बिल्कुल नहीं देखता। ठीक है, तो क्या पर्सनैलिटी? नहीं नहीं, वो दहेज कितना दे सकती है? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं। वो दहेज कितना दे सकती है? ये तो और भी पीछे चला गया। पिछड़ा, पिछड़ा सोच। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? मैं एजुकेशन। एजुकेशन पढ़ रही हैं? एजुकेशन पढ़ी जाती है, एजुकेशन ली जाती है? भाई तो क्या बकवास कर रहा है, किसी और की पत्नी के साथ डांस का आइडिया अच्छा है? दिल में पलट गया। अगर वो पत्नी अय्यर भाई की हो तो रिश्तेदार आपको कुछ समझते या नहीं समझते? यार रिश्तेदार मुझे कुछ समझे या ना समझे, लेकिन मैं कुछ नहीं समझता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों, ना बेटा देखभाल करेगा और ना ही बेटी निहाल करेगी। अच्छा, अपनी बीवी से बना के रखो, वही आपकी बुढ़ापे में देखभाल करेगी। ठीक है, मेरी बीवी, मेरी शान, मेरी हस्ती। और दोस्तों, ये सब मम्मी ने लिखवाया है, वो भी जबरदस्ती। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों नाल डील करना। आज हम सभी को बेहतरीन म्यूजिक देने वाले इस शख्सियत को सुपरस्टार सिंगर 2 दे रही है एक म्यूजिकल सलामी। महेश दल्ले। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और खुल के बताएं आखिरकार आपकी हालत हुई कैसे? भाई मैं ना मार्वल्स मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ? तो मूवी देखते देखते मैंने सोचा कि जब ये सुपर हीरो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बात तो सही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? भाई मैंने ना सबसे आसान तरीका अपनाया सुपर हीरो बनने का। कौन सा तरीका? मैं अपने घर के बेसमेंट में गया। हाँ? वहाँ मेरे को एक मकड़ी मिली, मैंने उससे कटवा लिया कलाई पे। इधर क्या बात कर रहे हैं, आपने मकड़ी से हाथ पे कटवा लिया? हाँ भाई, कटवाने के बाद मुझे लगा कि कलाई से जाला वाला निकलेगा। भाई जाला तो निकला नहीं, बेहोश हो गया और मुंह से झाग निकल गया। यार चलो डॉक्टर की दुकान पे चलना है, मेरी आंख लाल भी हो रही है। ये कौन है? वो यार सर। हाँ। कैसे बैठा हुआ है? कुछ नहीं यार, सट्टे में वाला घर आ गया। बस तुझसे मैंने मना किया था सट्टा वट्टा मत खेला कर। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई क्या करूं यार, यार दोस्त इतना आराम है, उन्होंने बोला कि सट्टा खेल करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति और बन गया। साल हो गए आपको प्रेम रतन धन पाए हो किए हुए। 7 years। कितने साल की थी? 14। अब कितने की हो गई हैं आप? 23। पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। Okay. अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। क्या 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 क्या? जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। क्या बात है सर, अब देखो मैं बच्चों की जानत बता रहा हूँ। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या? बच्चा कह रहा है, पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर के नॉलेज बदतमीज, खड़े हो जाओ तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या। हरे कनवा में सोबे वाली जूड़ा में लगा के जा, कनवा में सोबे वाली जूड़ा में लगा के जारी, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। ये तो एक श्रृंगार गीत है। अच्छा, ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा
फटाफट खोल के दिखाओ। लगी? शादी हो जाने के बाद भी तुम लड़कियां ब्यूटी पार्लर में क्या करने जाती हो? पति दूसरी औरतों के पीछे ना भागी, इससे अपने आप को नहीं मिलेगा। ये मटर को अगर कंटिन्यू खा लोगे ना तो आंखों का चश्मा उतर जाएगा। रुकने उगने जाते हो किसी रिश्तेदारों के घर, खाला गया, फूफो गया, पूरे शौक हम नहीं पालते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। Hey, y'all, come look at this. रात के दो बज चुके हैं, कब रोना बंद करें, अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। चलो देखे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, डायपर तो ले। नहीं हुआ, ये हैवी है और अंदर से गीला भी। पहनो मैंने पोको पैंट। इसको तो पोको पैंट पहना दो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है पीने वालों के लिए निकली नौकरी 88 लाख रुपए सालाना का पैकेज। गाड़ी स्टार्ट कर। लाख सालाना। बहुत जगह है। बहुत जगह है। नहीं जगह है। बोलने बहुत जगह है। बहुत जगह है। बहुत जगह है। नहीं जगह है। बहुत जगह है। नहीं जगह है। नहीं जगह है। बहुत जगह है। नहीं जगह है। बहुत जगह है। कुलदीप तू तो रिजाइन देने वाला था, क्या हुआ दे दिया? अबे नहीं यार, मैंने एचआर से बोला मुझे इंस्टेंट रिजाइन देना है, कह रहा है इंस्टेंट नहीं मिलेगा, 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा 30 दिन क्या करूंगा, जाना तो मुझे अभी है। हाँ। कह रहे हैं 30 दिन में जो न्यू ज्वाइनी है उनको जो भी अपना सिखाओ पढ़ाओ। हाँ तो सिखा दिया। और क्या क्या हुआ, सारे रिजाइन दे रहे हैं। हमारे ऐसा ही होता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। उसने ट्रेनिंग दी कि डायरेक्टली वो लोग सब लोग रिजाइन डालने लगे। बोलते हो गए यार इसको इंस्टेंट चाहिए था, इसको इंस्टेंट दे देते तो हमारा अच्छा हो जाता है, क्यों हमने इसको रोका। और वो लड़की जो रोती है ना प्यार के ऊपर, मैंने बहुत बार उसकी रील्स देखी, वो विक्स की गोली लो तुम बदल गए वाली लड़की, जब देखो रोती रहती। तो इस बार उसको बहुत से लोग जाके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, डायपर चेंज कर लिया है ना, बिकॉज यार कितना रोएगी, हद होती है, लिमिट नहीं गया। मैं सोच रही रजत शर्मा हंस नहीं रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, गाना गा रहे है तो देखा उन्होंने वो वाला गाना ढूंढ के निकाला जिसके वर्डिंग्स खतरनाक थे। और ये एक्चुअली बहुत सारे गानों पे ऐसा निकला है कि इतने सारे वर्डिंग्स खतरनाक थे कि अलग ही लेवल पे बोलते ना ऐसा। और इतना बड़ा होने के बाद भी स्पाइडरमैन, बचपन में ठीक है बाबा लगता है अपने को कि स्पाइडरमैन आएगा काटेगा तो ऐसे ऐसा हो सकता है, ये वो हो सकता है करके, बड़ा होने के बाद किसके दिमाग में ये आया? पागल क्या पढ़ रहे हो, एजुकेशन येड़ी? अलग ही चाल है। तो ना मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, जितना हो सके उतना, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है प्लीज। बाकी परत मियाले सा बाय।